हेलो दोस्तों, आप सभी को आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ईरान के उस स्टेटमेंट के बारे में जो उसने भारत को क्रिटिसाइज करते हुए, ईरान के जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर है उन्होंने जो दिया है स्टेटमेंट दिल्ली दंगों पर। तो उस स्टेटमेंट को लेकर हम बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उससे भारत को क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, भारत के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके इस स्टेटमेंट के क्या क्या मायने हैं, उनका ये स्टेटमेंट का क्या मतलब हो सकता है फॉर द फ्यूचर कोर्स। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे और इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में जो दंगा हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस दंगे में करीब 45 से 50 बेगुनाह लोग मारे गए हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी। क्योंकि दोस्तों, ये तो जग जाहिर है कि जो दंगा करने वाले होते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मैं किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ और आप भी कमेंट में या किसी भी सोशल मीडिया पे ऐसी बात ना करें किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करें, क्योंकि जो दंगा करने वाले लोग होते हैं उनका ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होता है। और जब दंगा होता है तो उन लोगों को कुछ नहीं होता है जो लोग उस दंगा में शामिल होते हैं या जो इस दंगा को करवाने में जिनका हाथ होता है, न उनको कुछ होता है ना उनके फैमिली को कुछ होता है। अगर दंगा में जो लोग घायल होते हैं या जिनकी मौत हो जाती है वो हमेशा निर्दोष और बेगुनाह लोग ही होते हैं। तो दोस्तों, इस दंगा को लेकर क्वेश्चन तो बहुत से बनते हैं, लेकिन हम उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था इस दंगे को लेकर कि जब ये सब हो रहा था तो हमारी गृह मंत्रालय क्या कर रही थी और जो दिल्ली पुलिस है वो क्या कर रही थी, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा, गृह मंत्रालय को देना पड़ेगा। खैर छोड़िए, जो आज का हमारा जो इस वीडियो का जो टॉपिक है, ईरान के हम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे जो ईरान के वहाँ के जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर उन्होंने दिया है। लेकिन दोस्तों, इस दिल्ली के राइट पे दंगे पर वो ऐसा कि इंडिया को क्रिटिसाइज करने वाले या एंटी इंडिया स्टेटमेंट देने वाला पहला कंट्री नहीं है या पहला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई वो पहले इंडिविजुअल नहीं है। इससे पहले तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोवन, उन्होंने भी भारत को क्रिटिसाइज किया है और वो हमेशा ही भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि जो तुर्की है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है भारत को हर एक इशू पे, चाहे वो कश्मीर से 370 हटना हुआ या फिर CAA या फिर दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, तो उन सभी में तुर्की ने क्रिटिसाइज किया है भारत को। उसके बाद US की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमीशन है URCIRF, उसने भी इंडिया के इस दिल्ली दंगे को क्रिटिसाइज किया है, हैवली क्रिटिसाइज किया आप कह सकते हैं। उसके बाद OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी दंगे की आलोचना की है। और एज यूजुअल पाकिस्तान, जो कि हर इशू पे भारत के इशू पे टांग रहता है, तो वहाँ से भी भारत के इस दंगे को लेकर क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन हमें पाकिस्तान के बात पर ध्यान नहीं देना है। और उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल और सब इंटरनेशनल मीडिया, यानी कि जो दिल्ली में दंगा हुआ है अब वो इंटरनेशनल लेवल पे इसके जो नैरेटिव है वो एंटी इंडिया है, यानी कि जो भी वहाँ से स्टेटमेंट आ रहे हैं वो एंटी इंडिया है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अब जो अगला नाम आता है वो है जावेद जरीफ, जो कि ईरान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जो कि एंटी इंडिया है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है तो दोस्तों वीडियो में हम आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ईरान से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको जान लेते हैं। दोस्तों, ईरान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल सिटी है, उसका नाम तेहरान है, यानी कि तेहरान उस देश की राजधानी है। वहाँ अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो वहाँ 97% लिटरेसी रेट है, यानी कि हर 100 प्रति 100 बंदे जो वहाँ के पर्सन लोग हैं उसमें से 97 लोग 97 लोग पढ़े लिखे होते हैं। और दोस्तों, अगर हम वहाँ के पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 8.12 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं, तो काफ़ी इंडिया के मुकाबले बहुत ही कम जनसंख्या है वहाँ की। और दोस्तों, वहाँ की जो करेंसी है वो ईरानियन रियाल है, और अगर इसको हम अगर आप
रियाल और इंडियन रुपी को कंपेयर करना चाहते हैं तो 1 ईरानियन रियाल इज इक्वल टू 0.0017 इंडियन रुपी है। तो दोस्तों आपको इससे पता नहीं चल पाया होगा, तो दोस्तों मैं आपको उसको 100 में कन्वर्ट करके बताता हूँ कि अगर हम उसको 100 में कन्वर्ट करेंगे कि 100 रुपये में कितने ईरानियन रुपीज होंगे। तो अगर आप यहाँ से 100 रुपये लेकर जाते हैं ईरान में तो वो वहाँ के 57,469 ईरानियन रियाल के इक्वल होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ईरान से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करने वाले हैं कि जो जावेद जरीफ ने, जो कि वहाँ के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो दोस्तों उनके स्टेटमेंट को मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताऊँगा। दोस्तों उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ईरान कंडेम द वेव ऑफ ऑर्गेनाइज वायलेंस अगेंस्ट द इंडियन मुस्लिम फॉर सेंचुरीज। ईरान हैज बीन अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। वी अर्ज इंडियन अथॉरिटीज टू एंश्योर द वेल बींग ऑफ ऑल इंडियंस एंड लेट सेंसलेस थगरी प्रिवेल। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो उनके ये कहने का क्या मतलब है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ संगठित हिंसा की घटनाओं की निंदा करता है। यानी कि उन्होंने सिंपल भाषा में अगर जाने तो उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली में दंगा हुआ है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब दोस्तों वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इस टाइम पे ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अगर आप ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप की बात करें तो ईरान और इंडिया के बीच में फ्रेंडली रिलेशन है, यानी कि अच्छे संबंध, काफ़ी समय से अच्छे संबंध हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में थोड़े बहुत संबंध खराब हुए हैं, लेकिन इतना भी खराब नहीं हुआ है कि ईरान इंडिया के खिलाफ इंडिया को क्रिटिसाइज करे किसी मैटर पर या एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे। तो अभी इतने भी रिलेशन खराब नहीं हुए हैं। और दोस्तों ईरान में पिछले साल नवंबर दिसंबर में वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, उनके सरकार के खिलाफ जब लोग सड़क पे उतरे थे तो वहाँ की जो खुद की पुलिस है उन्होंने लोगों के ऊपर बम दागे थे, गोली दागे थे, फायरिंग की थी, जिसमें करीब करीब 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन इंडिया ने उनके इस एक्ट पे, कुछ इंडिया की तरफ से किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, क्योंकि इंडिया ईरान को अपना एक फ्रेंडली कंट्री मानता है। सो ये मानकर कि ये ईरान का इंटरनल मामला है, इसलिए इंडिया ने इस पर कुछ भी कमेंट नहीं किया था। तो उस हिसाब से इंडिया का भी ये इंटरनल मामला है, तो ईरान को कमेंट नहीं करना चाहिए था, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ईरान और इंडिया के बीच में फ्रेंडली रिलेशन है। तो दोस्तों ईरान के इस स्टेटमेंट के रिप्लाई में इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने रिप्लाई किया है कि ये इंडिया का इंटरनल मामला है, इंटरनल अफेयर है, एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच स्टेटमेंट फ्रॉम अ कंट्री लाइक ईरान। तो इंडिया ने बड़ा सख्त करार रुख अपनाते हुए उन्होंने ईरान को ये कहा है। अब दोस्तों इंडिया ने, आप इस लाइन को समझिए, इंडिया ने रिप्लाई में कहा है कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच स्टेटमेंट फ्रॉम अ कंट्री लाइक ईरान। यानी कि हम ईरान ऐसे स्टेटमेंट, ईरान जैसे देश से हम आशा नहीं करते हैं कि वो ईरान जैसा देश इस तरीके का स्टेटमेंट दे। अब दोस्तों इसके दो मायने हैं। पहला मायने ये है कि ईरान और इंडिया जो है एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड कंट्री के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दे, इसकी हमने आशा नहीं की थी। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो इंडिया उनको ये कह के संदेश देना चाहता है कि जब आपके कंट्री में आपने अपने खुद के लोगों को मारा था और जिसमें 500 के करीब लोग मरे थे, तो हमने आपको फ्रेंड मानते हुए इस चीज़ को, इंटरनल आपके इंटरनल अफेयर को मानते हुए, हमने इस पर कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि आप हमारे इंटरनल जो अफेयर्स है उस पर आप कमेंट कीजिए। अब दोस्तों ईरान की तरफ से ऐसा कमेंट क्यों आया है, इस कमेंट के क्या क्या मायने हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम डायरेक्ट इस बात को समझने की कोशिश करें कि ईरान ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है, तो दोस्तों जब भी आप अपने रियल लाइफ में भी देखते होंगे कि आपसे जब कोई नाराज़ होता है, जब तक आपके और एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन बढ़िया है, तो वो आपके खिलाफ कुछ ऐसा बयान नहीं देगा। लेकिन अगर आपके और किसी एक्स बंदे के बीच में कुछ इस तरीके का हो जाता है, अगर वो आपसे नाराज़ है, तो आपके खिलाफ ज़रूर बोलेगा। तो इंडिया और ईरान के बीच में भी यही हुआ है। इंडिया हमेशा से
क्रूड ऑयल ईरान से लिया करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखा है और बहुत से कंट्रीज को यूएस ने मना किया था कि ईरान से आपको तेल नहीं लेना है, नहीं तो हम आपके ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे। और उन कुछ कंट्रीज में इंडिया भी है शामिल, इंडिया के को भी उन्होंने धमकाया था यूएस ने कि अगर आप ईरान से तेल लेंगे तो हम आपके ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे। तो इंडिया जो है पिछले कुछ सालों में ईरान से तेल लेना बिल्कुल ही बंद कर चुका है, अब वो सऊदी अरेबिया, रशिया और यूएस से तेल लेता है। तो इससे ईरान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इंडिया इंडिया से। तो उनका इस स्टेटमेंट का एक मायने ये भी हो सकता है कि वो हम उनसे तेल नहीं लेते हैं इसलिए वो हमसे नाराज़ है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो कारण ये है कि एक तरफ जहाँ इंडिया और ईरान के बीच में बहुत पुराना रिश्ता अच्छा रहा है, लेकिन कुछ सालों में ये थोड़ा सा रिश्ता बिगड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर वहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना का प्रभाव वहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना वहाँ पे ईरान में 400 बिलियन डॉलर का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और अपना जो सारा क्रूड ऑयल है वो ईरान से लेता है, यानी कि चाइना से ईरान की बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, जिसने वहाँ से तेल लेना अब बिल्कुल भी बंद कर दिया है। तो दोस्तों, इंडिया और चाइना की कभी नहीं बनती है और चाइना एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता है जिस उस मौके को जहाँ की इंडिया को वो घेर सके, इंडिया के ऊपर प्रेशर बना सके और इंडिया को क्रिटिसाइज करवा सके। तो दोस्तों, शायद ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो चाइना का वहाँ बढ़ता हुआ प्रभाव के कारण भी हो सकता है और शायद इन फ्यूचर ईरान के तरफ से ऐसे बहुत से स्टेटमेंट आ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे जो चाइना है वो चाइना का प्रभाव वहाँ पे बढ़ रहा है और इंडिया जो है तेल लेना बंद कर रखा है। तो दोस्तों, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया और ईरान के बीच में दोस्ती ख़त्म हो गई है, जो अच्छे संबंध थे वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देकर जो अच्छे रिश्ते संबंध है वो जरूर खराब होंगे। और इस बात को ईरान को ध्यान देना होगा कि अगर इंडिया उनसे तेल नहीं लेता है तो वो अपनी नाराज़गी किसी और तरीके से भी दिखा सकते हैं। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो उनसे उनकी नाराज़गी दिख रही है साफ साफ। तो दोस्तों, ये पूरा डिटेल एनालिसिस था आज की इस वीडियो में इस टॉपिक का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो और एग्जामिनेशन से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उन पर मैं हर दिन लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।